बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिश बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है गजरेला। गजरेला सर्दियों की बहुत मज़ेदार डिश है। ये उन बच्चों के लिए भी बनाई जा सकती है जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, और सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब सबसे पहले हम तकरीबन 250 ग्राम चावल जो हैं वो पानी में बॉयल कर लेंगे। उसी पानी के अंदर हम गाजरे जो होंगी वो 6 से 8 दांत लेके अपने दरमियाने साइज़ की क्रश कर लेनी है, और क्रश करके उसी राइस वाले पानी में डाल के बॉयल कर लेनी है। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसमें 2 लीटर दूध जो है वो ऐड करेंगे। लीटर अगर आप दूध जो है वो बॉक्स का नहीं इस्तेमाल करें, तो आप लूज फॉर्म में कर रहे हैं तो आप 2 से 3 लीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लूज फॉर्म में जो दूध होता है वो इतना थिक नहीं होता। इसके साथ ही आप इसको मुसलसल चमचा हिलाते गए, और जैसे ये इसमें शामिल हो जाएगा और ये पक इसने पक जब ये थिक हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको मुसलसल चमचा हिलाते जाना है। और जब ये इसके पकने की निशानी ये होगी कि ये बबल्स इसके ऊपर भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही बबल भरना स्टार्ट होंगे आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। मैंने तकरीबन 300 ग्राम जो शुगर है इसमें ऐड की थी। अगर आपको शुगर कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इसी यानी कि पोजिशन में आप ड्राई फ्रूट भी डाल दें। और जैसे सबस इलायची जो है वो बड़े मज़े का जायका देती है। अगर आपके पास वो पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप बिल्कुल स्टार्ट में उसको साबत इलायची 2-3 डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पाउडर फॉर्म में डाल दिया और ये बिल्कुल तैयार हो गया। यहाँ पे देखें, ये थिक भी हो गया और बबल्स भी आ रहे हैं, इसकी पकने की निशानी है। इसको हम प्लेट में डाल के सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर कोकोनट पाउडर या आप चांदी का वर्क या ड्राई फ्रूट्स क्रश करके डाल सकते हैं। अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई है, इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।